अस्सलाम वालेकुम। और आज मैं आपको एक सा कैप्सूल के मुतालिक बताता हूँ जिसके इस्तेमाल से अगर आपके चेहरे में छाइया है, दाग है, धब्बे है, स्पॉट है, आप खून की कमी है, जिस्मानी कमजोरी है, तो इन सारे मसाइल के हल के लिए आप एक कैप्सूल का इस्तेमाल कर सकते हैं। एक कैप्सूल, इस कैप्सूल का नाम है फेफालवेट कैप्सूल। अगर आप पहले बहुत से क्रीम का इस्तेमाल किया चेहरे में जो छाइया और स्पॉट है इनके खत्म करने के लिए, लेकिन इस क्रीम के इस्तेमाल से वक्ती तौर पर जो छाइया है वो खत्म हो जाती है, स्पॉट खत्म हो जाती है, लेकिन फिर भी वापस आती है, तो इस क्रीम को आपने इस्तेमाल नहीं करना है। अभी आपको इस कैप्सूल का इस्तेमाल करना होगा। इस कैप्सूल के इस्तेमाल से आपके चेहरे में जो छाइया है, स्पॉट्स है, वो फ्रेगमेंटेशन है, वो खत्म हो जाएगी मुस्तकिल तौर पर। इस कैप्सूल में है तीन मेडिसिन की कॉम्बिनेशन है, एक आयरन है, फोलिक एसिड है और विटामिन है। अगर इस आयरन और फोलिक एसिड की कमी लायक हो जाए जिस्म में, जो जिसकी वजह से चेहरे पर जो छाइया पैदा होती है, रंगत पीला हो जाती है, साथ ही स्पॉट बन जाती है चेहरे में, जिस्मानी कमजोरी लायक हो जाती है, इस आयरन और फोलिक एसिड कमी की वजह से जिस्म में खून की कमी लायक हो जाती है, एनीमिया पैदा हो जाती है, इस एनीमिया की वजह से जो बाल गिर जाती है, जिस्मानी थकावट महसूस कर रही है मरीज, साथ ही जिस्मानी कमजोरी लायक हो जाती है, चक्कर आते हैं, इन सारी कंडीशन इस खून की कमी की वजह से होती है। तो ये मेडिसिन खून की कमी यानी एनीमिया को भी खत्म कर देती है, खून की कमी को पूरा कर देती है। जब फोलिक एसिड की कमी लायक हो जाती है तो फोलिक एसिड की कमी की वजह से चेहरे पर छाइया और दाग धब्बे पैदा हो जाती है। तो अगर आप और बहुत से क्रीमों का इस्तेमाल किया जाएगा, क्रीम इस्तेमाल करेंगे और बहुत सी चीज इस्तेमाल करेंगे, लेकिन और फोलिक एसिड के पूरा न हो तो इससे आपकी जो चाहिए वो मुस्तकिल तौर पर खत्म नहीं हो सकती। इसलिए मुस्तकिल तौर पर खत्म करने के लिए इस चाहिए के लिए आप इस कैप्सूल का इस्तेमाल कर सकते हैं। इस कैप्सूल के इस्तेमाल से वो फोलिक एसिड और आयरन की कमी वो फौरन हो जाएगी और ये चाहिए मुस्तकिल तौर पर खत्म हो जाएगी। साथ ही ये कैप्सूल स्पेशली खवातीन के लिए इंतहाई मुफीद है, क्योंकि खवातीन में अक्सर अवकात फोलिक एसिड और आयरन की कमी लायक हो जाती है। इसकी वजह से इसकी खून कम हो जाती है, खून की कमी की वजह से इसके जिस्म में दर्द होती है, टांगों में दर्द होती है, कमर में दर्द होती है, पट्टों में दर्द होती है, खून की कमी की वजह से इसका रंगत पीला हो जाती है, थकावट महसूस कर रही है, इसके जो चेहरा है इसमें स्पॉट और छाई आ जाती है, साथ ही जो रंगत है वो पीला हो जाती है। तो खवातीन के लिए बेहतरीन है, प्रेग्नेंट खवातीन के लिए, हामिल खवातीन के लिए इंतहाई मुफीद है, क्योंकि ये बच्चे की सेहत के लिए और माँ दोनों की सेहत के लिए सेफ है और प्रेगनेंसी में सेफ मेडिसिन है। इसके इस्तेमाल से जो बच्चा है इसके जो नेरो सिस्टम होती है, बोन मैरो होती है या इसका जो ब्रेन है वो वेल डेवलप हो जाती है इस मेडिसिन के इस्तेमाल से। साथ माँ में भी इसका बहुत अहम रोल है, माँ में जो आयरन, फोलिक एसिड, बी कॉम्प्लेक्स की जो कमी लायक हो जाती है, विटामिन्स की कमी लायक हो जाती है वो पूरा कर देती है। साथ ये बेहतरीन मेडिसिन है, ये मर्द और खवातीन दोनों इस्तेमाल कर सकती है, लेकिन खवातीन के लिए इंतहाई मुफीद है और बहुत ज्यादा फायद है स्किन के लिए, साथ ही जो मसल के लिए, हड्डियों के लिए, जो भी आपकी मसल में जो कमी लायक हो जाती है, जिस्मानी कमजोरी और थकावट आ जाती है, चेहरे में जो स्पॉट बन जाते हैं, इन सारी कंडीशन को, खून को पूरा करने के लिए बेहतरीन और अच्छा मेडिसिन है। इसका इस्तेमाल आप मेल फीमेल दोनों कर सकते हैं। एक कैप्सूल आप रोजाना इस्तेमाल करना होगा सुबह के वक्त खाने के बाद, इसके बाद ज्यादा से ज्यादा पानी का इस्तेमाल करना होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।